गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, चंदेलों के बारे में हमने काफी कुछ पहले पढ़ लिया है, जैसे कि चंदेल शासकों के बारे में जानकारी के जो ऐतिहासिक स्रोत है, या फिर चंदेल शासकों के जो महत्वपूर्ण शासक हैं, इन सभी बातों के बारे में हमने पहले काफी कुछ पढ़ा है। तो आप वीडियोज को बार बार देखें, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक और शेयर करें, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं चंदेल शासक कीर्ति वर्मन का इतिहास। चंदेल शासक देव वर्मन के बाद उसका छोटा भाई कीर्ति वर्मन राजा बना। उसके राज्यारोहण के समय चेदी नरेश कर्ण ने देव वर्मन को हराकर चंदेल राज्य पर अधिकार कर लिया था। प्रबोध चंद्रोदय में कहा गया है कि चेदी नरेश ने चंद्र वंश को पदच्युत कर दिया। बिलहण भी लिखता है कि दाहल का राजा कर्ण कालंजर गिरी के स्वामी के लिए काल था, अतः कर्ण को पराजित कर अपने साम्राज्य का उद्धार करना कीर्ति वर्मन की पहली प्राथमिकता थी। उसने चेदी नरेश कर्ण को परास्त कर अपने वंश की स्वतंत्रता को फिर से हासिल किया था, ठीक है? प्रबोध चंद्रोदय नाटक में कर्ण को पराजित करने का श्रेय गोपाल नामक सामंत को दिया गया है। जो कौन था गोपाल? कीर्ति वर्मन का सामंत था। कीर्ति वर्मन एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ विद्वानों का संरक्षक भी था। उसके राज दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कृष्ण मिश्र निवास करते थे। कृष्ण मिश्र ने प्रबंध चंद्रोदय की रचना की थी। तो कृष्ण मिश्र ये किसके दरबार में था? कीर्ति वर्मन के दरबार में। और प्रबंध चंद्रोदय की रचना किसने की? कृष्ण मिश्र ने। प्रबंध चंद्रोदय की रचना किसके काल में हुई? चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के काल में। कई लेखों से कीर्ति वर्मन के अन्य पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। गोपाल एक सामंत के अलावा वत्स नामक सामंत भी था। तो गोपाल है, इसके अलावा वत्स नामक एक सामंत और भी था जिसने बेतवा घाटी को जीता था। उसका सचिव अनंत वीरता एवं निपुणता में प्रसिद्ध था। अनंत महिपाल का पुत्र था जो विजयपाल के समय मंत्री रह चुका था। कीर्ति वर्मन ने अनंत को महत्वपूर्ण पदों जैसे मंत्राधिकारी, हस्ती, अश्वसेना, पुष्पबलाध्यक्ष, अभिमत सचिव आदि पदों पर नियुक्त किया था। एक अन्य लेख वात्सव्य कायस्थ महेश्वर नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है जो कालंजर का विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी था। कीर्ति वर्मन के बाद के चंदेल शासक देखिएगा। कीर्ति वर्मन ने 1100 ईस्वी तक शासन किया। कीर्ति वर्मन का पुत्र सलक्षण वर्मा अथवा हल लक्ष्मण वर्मा राजा बना। सलक्षण वर्मा ज्यादा प्रसिद्ध शासक नहीं था। इसके बाद इसका पुत्र जय वर्मन चंदेल वंश का राजा बना। खजुराहो से जय वर्मन का लेख मिलता है। यह लेख ढंग के लेख का नवीनीकरण है। इसका लेखन गोड जयपाल कायस्थ द्वारा किया गया है जो एक विद्वान था, किंतु लेख से जय वर्मन की राजनीतिक उपलब्धियों की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसका उत्तराधिकारी पृथ्वी वर्मन हुआ। गदाधर पृथ्वी वर्मन के समय में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। तो देखिए स्टूडेंट्स, चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वीडियो छोटा है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को आप बार बार देखें और चंदेलों के बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बने रहें यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।